Hey everyone, welcome back to the channel iThruv. So, आज का जो दिन है वो ऐसे शुरू होता है कि सुबह सुबह होगी एडिटिंग, उसके बाद होगा ब्रेकफास्ट एंड देन हम लगाएंगे अपना मोबाइल होल्डर. मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप सबको पता चल जाए कि मैंने किस तरीके से लगाने वाला हूँ आज वो मोबाइल होल्डर. एंड टुडेज डे वुड बी एब्सोल्युटली ब्लेस्ड क्योंकि दिस थिंग आई वॉन्टेड फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड ये आज होने वाली है यार. इसी बात पर दबा दो सब्सक्राइब का बटन एंड विद द बेल आइकन ऑन, ठीक है, घंटा दबा देना और साथ में वीडियो को कर देना लाइक. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. अभी अभी क्या हुआ, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम यूट्यूब वीडियोस एंड मैंने देखा कि जो कल मैंने आपको ये बैक टू द स्टैंडर्ड टॉप रैक है जो मैंने जाना से मंगवाई थी फॉर रॉयल एनफील्ड, इसकी वेबसाइट पे लिखा है दैट दे वुड ऑल्सो डिलीवर दैट बैक रेस्ट, लेकिन इसके अंदर कोई बैक रेस्ट नहीं था. आई थॉट इज समथिंग कॉल्ड बैक रेस्ट या फिर कुछ, लेकिन ये बैक रेस्ट नहीं है, ये कुछ और ही है और बैक रेस्ट इसके अंदर से मिसिंग है. इट्स 12 PM नाउ, हमारी 1 बजे वीडियो आ गई होगी जो आपने कल देखी होगी, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक पोल डाली थी जहां पर लोगों से पूछा था दैट कितने बजे वीडियो डाली जाए, 1 बजे डाली जाए या फिर 10 बजे डाली जाए. तो आपने सबने कहा था यार कि बीच में कहीं डाल दो या फिर 1 बजे करीब डाल दो, 1 बजे हम खाना वगैरह खाते हैं सो वी आर फ्री, वी कैन वॉच यू वीडियो. मैं कहता दैट्स वेरी गुड टाइम टू हैव 1 o'clock अपनी वीडियो रोज लाइव. और अपना सामान वगैरह ले लेते हैं, अपना जो मोबाइल होल्डर है इसको लगाते हैं नीचे जाके. जिन लोगों ने अपनी ये लगा रखी है वाइब्रेशन रॉड होती है या फिर RD हैंडल लगा रखा है उनके लिए भी ये चीज़ काम की हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ी सा नीचे रहती है, देखते नीचे जाके एडजस्ट करते कामयाब होता है तो फिर दिखा देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको कुछ जुगाड़ जरूर बता के दूंगा आज की वीडियो के अंदर. चलो भाई अपना जो काम है वो सारा एडिटिंग वेडिटिंग का, वीडियो लाइव होने वाली है 1 बजे. इसकी मैंने कंप्लेंट कर दी है यार, वही डिसअपॉइंटिंग था लेकिन काफ़ी ज़्यादा. तो भाई नहा धोकर हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी एंड कल की वीडियो आपने देखी होगी, कल का जो ब्लॉग था वो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने बताया था कि मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा कर्ल हो रहे, तो ये बात मैंने मम्मी के साथ शेयर करी तो उन्होंने कुछ तो अपना ये लगाया है, मतलब केला ये सब लगाने से जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एंड भारी से तो हो गए हैं. आई विश कि बढ़िया से हो जाए. अभी क्या करना है, अभी ना छत पे एक ज़रूरी काम है, क्या करूँगा मैं, एक कपड़ा ज़रूर बांध लेता हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, बाल पूले गीले हैं. आई वॉज लुकिंग एट द रिस्पॉन्स जो आपने आज दिया वीडियो के ऊपर, दैट इज़ अमेजिंग. अब जो है ना, मैं आपको डेली ऐसी छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं उसी के अंदर मैं जो भी करता रहता हूँ बाइक के अंदर वो भी करके दिखाता रहूँगा. यार थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो गया ना, अब सही है. पता नहीं मुझे मैनुअल के अंदर शूट करने में काफ़ी अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक से मैनुअल इज़ क्वाइट बेटर. ये है अपनी छत है, यहाँ पर इधर फ्लाईओवर है. मैं धूप इतनी तेज़ थी तभी कपड़ा बांध के आया हूँ और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है भाई, बीमार बीमार नहीं होना, बहुत ख़राब सीन है आजकल. अपना क्या है, यहाँ पर जो है ना सामने एकदम रोड है, तो भाई छत पर करने के आए हैं. ये डंडा देख रहे हो आप, इस डंडे को खोल के निकालना है. क्यों? क्योंकि इस पर हमारे हनुमान जी का झंडा होता है, वो लगाएंगे इसके ऊपर. अब जो पिछले वाला था ना वो लगाया था पिछले साल और वो क्या हुआ था, वो टूट गया था या फिर ना वो मेरे ख्याल वो वेदर की वजह से थोड़ा सा कटपट आ जाता है ना, तो वो हो गया था. कल क्या लगाते हैं इसको फटाफट. भाई वो डंडा हमने निकाल लिया है, इसको नीचे लेके जाते हैं, अपना होल्डर और झंडा दोनों फिक्स करते हैं. और हवा जो है यार बहुत तेज़ चल रही है एंड धूप एकदम क्लियर, मतलब आसमान देखोगे ना आसमान एकदम नीला हुआ पड़ा है बिल्कुल ही, बहुत अच्छा मौसम है यार बाहर जाने को, बस लॉकडाउन लगा हुआ है. हर जगह जाएंगे यार, वेट करो और देखो फिर क्या होता है. माय जेनेटिक्स आर फ्रॉम यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश, तो इसलिए थोड़ी सी हरियाणवी अगर कभी कभी निकल जाए तो कभी कभी वो भाषा मेरे मुंह तक निकलेगी, तो माइंड ना करना. एक बात माइंड में आई कि आप में से जितने लोग, जो आप में से जो अच्छे लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने थोड़े से बिगड़े हुए लोग हैं, थोड़े से बदमाश लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ. जो लोग कमेंट सेक्शन में या तो गालियाँ देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा लिखते हैं, पहली बात तो ये कि जो आड़ा टेढ़ा लिखता है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वापस ये वीडियो देखेगा नहीं, पर अगर आप फिर भी देख रहे हो, फिर भी आप इतने गिरे हुए हो और फिर भी ऐसे ऊंच नीच कमेंट कर रहे हो, तो माइंड दैट कि आपके कमेंट मेरे तक ज़रूर पहुँचते हैं लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुँचते हैं, तो इनडायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके. तो इससे ज़्यादा जितना टाइम यूट्यूब पर गालियाँ लिखने में लगा रहे हो उतना टाइम अपनी एजुकेशन में लगा लो, तो कुछ तो सीख जाओगे यार, कुछ दुनिया के तौर तरीके सीखो, काम धंधे में लग जाओ, खाली बैठ के अपने दिमाग में कीड़े मत पालो. अगर इससे समझना है तो क्या ही बोलूं? जैसे कि आपको बताया था कि मेरे पास ये जो दो हैं ये मोबाइल कवर्स पड़े हुए हैं, इनका क्या सीन होता है, ये ना हमारी बाइक के हैंडल पर लग जाता है, इनको मैं इनके सॉकेट्स के साथ नहीं लगाने वाला हूँ, ये काफ़ी पहले का ऑलमोस्ट, ये तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये कम से कम इधर 4 साल पहले का केस है. एक ये हो गया एंड अपने पास है ज़िपटाइज का पैकेट. तो ये दो चीज़ें आज हम यूज़ करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर. आगे आपको दिखा दूँगी ये चीज़ लगती किससे थी. एक ऐसा एक होल्डर आता है, ये वाला जो होल्डर है ना
इसके थ्रू ये लगा जाता था, पर ये होल्डर अभी तो किसी काम का नहीं है। एंड इसको लगाने के अंदर पता है कितनी जिप टाइज काम आएंगी? ऑलमोस्ट दो या चार, चार चार तो नहीं, देखो दो में हो जाना चाहिए, फॉर अ सेक हम चार लेके चलते हैं। आप में से हर दूसरे की डिमांड थी कि यार ये मोबाइल का सीन लेकर आओ, क्योंकि हमें नेविगेशन देखनी होती है, फ़ोन जेब में नहीं रखा जाता, गिरने का डर रहता है, तो हम सामने रख लेंगे। हाँ ये सेफ रहेगा बिल्कुल, इस चीज़ को मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ ऑन माई जुपिटर, ऑन माई ओल्ड बुलेट, तो इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। और यहाँ तक आप देख ही रहे हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। आज भी कुछ आड़ा टेढ़ा सामान मैंने मंगाया, वो यही रखा हुआ है, दिखाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो। अरे यार मैं सब कुछ नीचे ले गया, हेलमेट कैमरा नहीं लेकर गया, और साथ ही साथ हेलमेट के पीस ले गया ताकि एक मोटो व्लॉग हो जाए एंड हम चेक कर पाए कि यार परफॉर्म कैसा कर रहा है। सो फार द कवर इज परफॉर्मिंग वेल। इसको बस क्या करता हूँ, इसको यहाँ टचिंग कर देता हूँ जिससे ये आराम से बैठा होता है। एंड इसके नीचे देखना बाइक कितनी नई नवेली निकलेगी। ऐसे उठाओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। आई थिंक सो फार दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव मेड इन एक्सेसरीज, क्योंकि इसको लेकर ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ही बाइक साफ रहती है एंड देयर इज नो नीड टू जस्ट वाइप द बाइक, क्योंकि धूल ही नहीं चढ़ती। गाइस जो अगली वीडियो है वो होने वाली है एंटी थेफ्ट वीडियो। सो आपने देखा मैं जो आपको पोजीशन दिखाई कि मैं इसको यहाँ लगाने वाला हूँ, एंड जो इसकी एडजेसेंट क्लिपिंग है उसको मैं बीच में रखूँगा, पर दैट वोंट टच द की। फ़ोन है, फ़ोन ये ऑलमोस्ट 5 इंचेस का फ़ोन है, ये ही वाला फ़ोन इसके अंदर आएगा, इसके ऊपर फ़ोन इसके अंदर नहीं आएगा। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज, क्योंकि आजकल फ़ोन लंबे आए हैं, बड़े आ रहे हैं। इसके अंदर ऐसे डालो जिप टाई और यहाँ से निकाल दो एक, ये एक निकल गई, और दूसरी जिप टाई लो। ये जिप टाई इसका ना बड़ी, ये इसकी बस ये आपको यही दिक्कत रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो दो चीज़ें हैं इनको यहाँ से ऐसे निकाल लो, ठीक है, ये यहाँ पे अटक जाएंगे। आपको क्या करना है, ये जो हैंडल है इसके नीचे से, ये वाली जो चीज़ है इसके नीचे से तुम्हें बांधनी है ये चीज़। सो दिस इज़ द वे इट कैन स्टे ऑन द हैंडल, एंड इसको एडजस्ट भी कर सकते हो बड़ी आराम से। सो गाइस एज यू कैन सी दैट मैंने इसके अंदर फ़ोन जो है वो डाल दिया है, अभी देख रहे हो। ये अपना थोड़ा सा मैंने कैमरा उल्टा कर दिया ताकि जो फील्ड ऑफ व्यू है वो और ज़्यादा तगड़ा आए, पर ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर मैप्स चला के हम फ़ोन डाल देते हैं, और फ़ोन एकदम अलाइनमेंट में सीधा बैठा हुआ है, ठीक है, और हल्का सा छुप रहा है यहाँ से वाइब्रेशन रॉड की वजह से। अगर आपको नॉर्मल, अगर आपको वाइब्रेशन रॉड नहीं है यहाँ पे तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत। सो द विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड। आपका जो फ़ोन का कवर है वो उतना ही वाइब्रेट करेगा जितना आपका हैंडल वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके अंदर ना घबराने वाली बात है ना इसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात है। सो डोंट वरी, आपका फ़ोन कहीं नहीं जाने वाला है। और ये जिप टाइप से लगा है, मतलब इस कवर की कीमत होगी मैक्सिमम 400 रुपीज़ एंड मिनिमम 200 रुपये में मिल सकता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे खरीद लो आराम से जाके, एंड इसका चोरी होने का भी डर नहीं है, क्योंकि जिप टाइज जो है वो आराम से कटती टूटती नहीं है, और ये दिख भी नहीं रहा है आराम से। इसको मोटे वाले जिप टाइज से बांध दो आराम से ले जाके अंदर, एंड इट्स वेरी मच इनफ। चलो एक चक्कर काट के आते हैं एंड आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ इसके बारे में। अब चलते हैं यहाँ से एंड इसकी टेस्टिंग करते हैं थोड़ी सी, कि अंधेरे में कैसा परफॉर्म करता है, या फिर अपना ये धूप में कैसा। धूप में तो देखो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड इसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। ये वाला जो चीज़ है ये कामयाब होगी हमारी सिटी राइडिंग के अंदर मेनली, पर ये वाली कामयाब शायद नहीं हो सकती ऑन हाईवे राइडिंग। पूछो क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास फ़ोन को चार्ज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, पर फ़ोन की सेफ्टी हो जाएगी, फ़ोन पानी से बच जाएगा, फ़ोन डस्ट से बच जाएगा, फ़ोन गिरने से बच जाएगा, फ़ोन चोरी होने से बच जाएगा। एंटी थेफ्ट है, वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, एंड फ़ोन आपका एकदम सिक्योर रहेगा। पर अब डिसएडवांटेज क्या है कि ये चीज़ चार्ज नहीं हो सकती। अब इसका मैं क्या ही सॉल्यूशन निकालूँ यार, मतलब आई एम ब्लैंक। अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आई हैव द चार्जिंग पोर्ट ओवर हेयर, एंड देखो इसकी विजिबिलिटी देखो एक बार, बढ़िया तगड़ी विजिबिलिटी आ रही है यार। अगर इसके ऊपर वाइब्रेशन रॉड नहीं होती तो ये डेक लगता है, एकदम प्रॉपर डेक लगता है आराम से। यहाँ पर आप स्पीडोमीटर भी लगा सकते हो GPS वाला, वो भी बहुत कूल लगेगा रात को। एंड इसके जिप्स वगैरह सब बंद है और ये वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है। सो मतलब जब हम धूप में जाएंगे या फिर प्रॉपर किसी अच्छी जगह पे जाएंगे तब ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करेगा। दैट्स अ वेरी 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 गुड थिंग अबाउट। एंड मुझे बिल्कुल भी अपनी जो गर्दन है वो झुकानी नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है।
ये तो बात 100% क्लियर है कि इसका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर अगर आप 80 या 100 की स्पीड पर क्रूज कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर 30-40 किलोमीटर पर आर की विंड चल रही है, और यहाँ पर जो आपने देखा है जो मोबाइल फ़ोन होल्डर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीप एंड सस्ते होते हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी यार वो फ़ोन सेफ नहीं रहता है, वो झटके से गिर सकता है, कैसे भी गिर सकता है। इसके अंदर यार तुम कितना भी झटका दे लो, कितने भी इसके अंदर ऊपर नीचे कर लो बाइक को, बारिश आ जाए कुछ आ जाए, फ़ोन को आपका फ़ोन तस से मस नहीं होने वाला है। एंड आपका फ़ोन एस सीरीज़ या फिर एप्पल का है, मतलब वाटरप्रूफ है, IP68 रेटिंग के साथ, तो भूल ही जाओ यार, डोंट वरी एट ऑल। आप महंगे से महंगा फ़ोन भी इसके अंदर रखोगे पर जो साइज़ है दैट इज़ अ कंसर्न, जो साइज़ एंड वो है रेशियो है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डू लेट एंड चेक, ठीक है। बाकी मैं एक बार आपको रुक के दिखाता हूँ कि इसका मैंने जुगाड़ कैसे किया है। बाकी एक काम करते हैं, यहाँ पर ये अंडरग्राउंड पास है, यहाँ से उस रोड पे निकलेंगे सीधा जाके। अब यहाँ पर देखना कि ये कैसे तगड़ा परफॉर्म करता है, ये एकदम अंधेरे में बढ़िया से। अंडरग्राउंड जो क्रॉसिंग थी यहाँ पे, वहाँ पर एकदम खाली रोड मिल गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा फोटो शूट कर लिया है। फोटोज जो मिलेंगे आपको मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, तो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर। घर चलते हैं फटाफट, आपने जो इसकी है वो शॉर्ट्स एंड सब कुछ तो देख ही लिए हैं, कैसे मैंने जिसको जिप टाइप से लगाया है। आपके हैंडल के बीच में एक जगह होती है साइड में से जाकर, तो वहीं से मैंने दोनों जिप टाइप घुसा दी है। सो दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन एंड इसका टर्निंग के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई लोग कहेंगे कि यार इसको टर्न लेते हुए ये यहाँ पर घिसेगा, अपना जो है टैंक पे स्क्रैचेस आ जाएंगे, नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, मैंने करके देख लिया। एंड कुछ और कोई और फ़ोन होल्डर वगैरह लगाने से तो बढ़िया ही। एंड यार इतनी गर्मी में मैं सीरियसली पहली बार बाइक चला रहा हूँ एंड बहुत गर्मी लग रही है, मतलब इंजन से गर्मी नहीं आ रही है जितनी ये बाहर से आ रही है, ये बाहर से गर्मी है, इंजन में कोई गर्मी नहीं है इसके। अरे आराम से काके, जो सिटिंग पोजीशन है बाइक की, मैं काफ़ी लंबा हूँ, मतलब 5'11" हूँ, तो फिर मेरे को आराम से आ जाती है। लेकिन इसका मैं जल्दी हैंडल भी चेंज कराने वाला हूँ यार, मेरे को हैंडल इसका कुछ खास पसंद नहीं है। यू विल गेट द आरडी हैंडल और द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स हैंडल। सीरियसली जब गर्मियों में इसको चलाते हैं ना तब ये कितनी स्मूथ रहती है ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। हाँ हीट करती है, आई एम नॉट सेइंग कि हीट नहीं करती या फिर ये नहीं करती, पर गर्मियों में 100 ऐसे पकड़ती है ऐसे, मतलब आई एम क्रूजिंग ऑन 100 राइट नाउ, मतलब सोचो हल्के शिफ्ट के अंदर इट्स गोइंग 100, सही है यार। एंड इसके अंदर भी यार मैंने 50,000 रुपये वाला फ़ोन लगा रखा है इसके अंदर, ये मत सोचना कहीं मैं 5-6,000 वाले फ़ोन से टेस्टिंग कर रहा हूँ, नहीं भाई, फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो है, बढ़िया वीडियो है एंड बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। दो जिप टाइज बंधी हुई है वो भी पतली वाली, मोटे वाली बांधोगे तो ऑब्वियसली इसकी जो रिजिडिटी है एंड जो इसका वो टफनेस है, इसकी जो पावर है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी बढ़िया वाली जिप टाइज यूज़ करोगे तो। मैं ज़रूर वो जिप टाइज में अपग्रेड करूँगा, पर मेरे पाउच का इतना अभी कोई काम ही नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है यार, लॉकडाउन के अंदर कोई इसके अंदर इतना तीर नहीं मारने वाले हैं, सो पतले वाली जिप टाइज भी चल जाएंगी। फॉर द पीपल जो लोग पूछेंगे कि इसकी चाबी लगाने में दिक्कत होगी, चाबी यार आराम से घुस रही है, आराम से निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ एंड इसके टच वगैरह सब चलता है, ठीक है, अपना पॉज वॉज सब हो जाएगा, इसकी जो वाइब्रेशन रॉड है अगर मैं इस कवर को यूज़ करूँगा तो मैं ऑब्वियसली इस चीज़ को निकाल दूंगा, क्योंकि इससे क्या है ना, मैं इसको वाइब्रेशन के लिए नहीं लगाया, मैंने इसको मेन लगाया ताकि स्पेस जो है वो फिल हो जाए, इस चीज़ ने आगे स्पेस फिल कर दी है। अब इसका वाइब्रेशन रॉड का मेरे हिसाब से मेरा तो पर्सनली कोई काम नहीं है, बाकी देखते हैं आगे जो भी अपग्रेड आता है, अगर हैंडल अपग्रेड होगा तो उसके अंदर हमारा बार आता ही है, पहले टेंशन वाली बात नहीं है। जिप टाइज मेरी कहाँ काम आई, जिप टाइज इसको बांधने में काम आई एंड इसके अंदर भी मैंने प्रोटेक्शन के लिए एक जिप टाई लगा दी है तो अब ये हिलता नहीं है बिल्कुल भी, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। दूसरा जो लोगों को पता नहीं है, बॉटल होल्डर मैंने यहाँ पर लगाया ताकि पानी वानी हम रख सकें यहाँ पर, इसका जो वीडियो है वो भी मैंने बना रखी है, तो ऐसी चीज़ें मिस नहीं करनी, एक बार लगा दो। एंड मोटी जिप टाई से लगा दोगे तो किसी के अंदर इतनी फुर्सत नहीं है कि इसको काट रहे हैं वो बैठेगा, क्योंकि जिप टाई ना ऑलरेडी काफ़ी अंदर है तो ये दिखने भी नहीं वाली है। इसको बंद करो एंड इसको लगा दो क्योंकि ये वैसे भी किसी के काम नहीं आने वाला है और चोरी वोरी भी नहीं होगा, डोंट वरी। एंड भाई अगर आप आते ही अपनी बाइक पे कवर वगैरह डाल रहे हो तो ध्यान से डालना, साइलेंसर के मत चिपका देना, मैं जो हूँ वो साइलेंसर के कवर बिल्कुल भी नहीं चिपकाता, मैं ध्यान से रखता हूँ एकदम, तो मेक श्योर साइलेंसर के ना लगा कर सिर्फ कवर ही ढको, ठीक है। ये देखो साइलेंसर साइड में से मेरा वैसे ही है और उस साइड से कवर इसलिए बचा हुआ क्योंकि वहाँ पर आ जाता है लेग गार्ड, पूरी हो रही है लेकिन बचा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से ऐसे करना, बाकी आपकी बाइक रहेगी सेफ। हाँ जी, जितना सामान है फिलहाल के लिए अभी दोबारा फैला हुआ है बिकॉज मुझे अभी रिवर्ट आया था द मेल फ्रॉम जाना कि आपका जो पार्सल मिसिंग है, जो उसके अंदर से पार्ट मिसिंग है वो भी आपका डिलीवर कर देंगे। मैं कहा चलो बहुत बढ़िया, ये भी सीन सॉर्ट हो गया, रात के बज गए हैं 8, बोलो क्या बात।
तो गाइस आज की जो वीडियो है वो एंड करने का समय आ गया है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई यहाँ तक तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन ऑन। बेल आइकन नहीं दबाया ना तो फिर देख लेना खैर नहीं, आप सब वीडियोज़ को जो है वो लाइक करते रहना, नहीं पसंद आ रही है तो बेशक डिसलाइक करके जाओ। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, बी यू, क्रिएट न्यू पॉजिटिविटी फैलाओ। एंड मैंने सुना है यार आज पता नहीं क्या न्यूज़ फैल रही है कि इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक इज़ गेटिंग बैंड। भाई पता नहीं क्या सीन चलता है भाई, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी अभी टिकटॉक वगैरह बैन कर रखा था, अभी ये कर दिया, 10 चीज़ें और आगे बैन कर देंगे अगर इनकी जो पॉलिसीज़ है वो अप्लाई नहीं करेंगे या कंप्लेन नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आई, मैंने पॉलिसीज़ पढ़ी थी पर मुझे इतना समझ नहीं आया कि मैं इसके ऊपर कोई ब्रीफ आपको जवाब दे सकूं। सो अगर आपको कुछ समझ आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड ये बैन होगा नहीं होगा, इसका क्या फ्यूचर है क्या नहीं है तो बताना, नहीं तो अपने भाई अपने अकाउंट्स बनाते हैं हम, अपनी आड़ी टेढ़ी वेबसाइट्स पे आ जाते हैं, फिर आप बताओ उसके ऊपर अपने अकाउंट्स बनाते हैं भाई, इंटरेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट तो बस यही चाहती है। जो अभी बाहर देखोगे तो यू कैन लुक एट द मून, ये जो छोटा सा देख रहे हो चांदी है यार अपना। हाँ जी, जितने सामान है फिलहाल के लिए अभी दोबारा फैला हुआ है, बिकॉज़ मुझे अभी रिवर्ट आया था द मेल फ्रॉम जाना कि आपका जो पार्सल मिसिंग है, जो उसके अंदर से पार्ट मिसिंग है वो भी आपका डिलीवर कर देंगे। मैं कहा चलो बहुत बढ़िया, ये भी सीन सॉर्ट हो गया। रात के बज गए हैं 8, बोलो क्या बात। सो गाइस आज की जो वीडियो है वो एंड करने का समय आ गया है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई यहाँ तक तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन ऑन। बेल आइकन नहीं दबाया ना तो फिर देख लेना खैर नहीं, आप सब क्यों, ठीक है मजाक कर रहा हूँ। वीडियोज़ को जो है वो लाइक करते रहना, नहीं पसंद आ रही है तो बेशक डिसलाइक करके जाओ। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, बी यू, क्रिएट न्यू पॉजिटिविटी फैलाओ। एंड मैंने सुना है यार आज पता नहीं क्या न्यूज़ फैल रही है कि इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक इज़ गेटिंग बैंड। भाई पता नहीं क्या सीन चलता है भाई, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी अभी टिकटॉक वगैरह बैन कर रखा था, अभी ये कर दिया, 10 चीज़ें और आगे बैन कर देंगे अगर इनकी जो पॉलिसीज़ है वो अप्लाई नहीं करेंगे या कंप्लेन नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आई, मैंने पॉलिसीज़ पढ़ी थी पर मुझे इतना समझ नहीं आया कि मैं इसके ऊपर कोई ब्रीफ आपको जवाब दे सकूं। सो अगर आपको कुछ समझ आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड ये बैन होगा नहीं होगा, इसका क्या फ्यूचर है क्या नहीं है तो बताना, नहीं तो अपने भाई अपने अकाउंट्स बनाते हैं हम, अपनी आड़ी टेढ़ी वेबसाइट्स पे आ जाते हैं, फिर आप बताओ उसके ऊपर अपने अकाउंट्स बनाते हैं भाई, इंटरेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट तो बस यही चाहती है, जो ढंग के प्लेटफॉर्म्स बचे उनको भी हटा दो। सो चलते हैं, अभी वीडियो वगैरह ख़त्म करते हैं, ये सारा सामान वगैरह उठाता हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक द मेस्ड अप एनवायरनमेंट। एंड खाने की बात करें वो भी खा लिया, एंड जब मैंने हनुमान जी का जो झंडा था हमारा वो भी हमने लगा दिया है, आज मंगलवार है तो वो भी काम हमने कर दिया दिल से पूरी श्रद्धा के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू। एंड काफ़ी लोग पूछते हैं दैट व्हाई डू यू सैल्यूट वाइल, एंड मेनी पीपल से दैट व्हाई डू यू सैल्यूट वाइल एंडिंग द वीडियो। गाइस आपका सपोर्ट है, आपकी वजह से है जो है, बढ़ाते चले जाओ, 10K करवाओ, 20K करवाओ, उसके बाद देखना क्या क्या वीडियोज वगैरह आती हैं। तो चले मैं काम करता हूँ, मैं अपना यहाँ पे मस्त बालकनी में चेयर रख के थोड़ा सा मून का व्यू एंजॉय करता हूँ, थोड़ी सी ऑडोमॉस लगा के, ये मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपना जो ख्याल है वो पूरा रखना, अगली वीडियो में मिलते हैं यानी कल, ठीक है। तो ढंग के प्लेटफॉर्म्स बचे उनको भी हटा दो। तो चलते हैं, अभी वीडियो वगैरह ख़त्म करते हैं, ये सारा सामान वगैरह उठाता हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक द मेस्ड अप एनवायरनमेंट। एंड खाने की बात करें वो भी खा लिया, एंड जब मैंने हनुमान जी का जो झंडा था हमारा वो भी हमने लगा दिया है, आज मंगलवार है तो वो भी काम हमने कर दिया दिल से पूरी श्रद्धा के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू, मेनी पीपल से दैट व्हाई यू सैल्यूट व्हाइल एंडिंग द वीडियो। गाइस आपका सपोर्ट है, आपकी वजह से है जो है, बढ़ाते चले जाओ, 10K करवाओ, 20K करवाओ, उसके बाद देखना क्या क्या वीडियोस वगैरह आती हैं। तो चले मैं काम करता हूँ, मैं अपना यहाँ पे मस्त बालकनी में चेयर रख के थोड़ा सा मून का व्यू एंजॉय करता हूँ, थोड़ी सी ऑडोमॉस लगा के, ये मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपना जो ख्याल है वो पूरा रखना, अगली वीडियो में मिलते हैं यानी कल, ठीक है।